हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक, अच्छे खासे तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, सब कुछ हो गए आप। चलिए बच्चों, आ चुके हैं और बस 40 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा होगी नहीं, तो बढ़िया है। 40 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कोशिश करूँगा निपटवा दूँ, क्योंकि एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन। बच्चों इसमें आता सबको है, लेकिन गलतियां बहुत करते हो आप इसमें, ठीक है। मैं आज कुछ चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से आपकी गलतियां कम से कम होंगी, क्योंकि बच्चों मैं आपको अगर बोलने लगूं क्लासिफिकेशन का, आप ऐसे समझिएगा कि आपको हिंदी में अगर इसको बोलूं तो विजातीय ढूंढना है। विजातीय परीक्षण मतलब असमान परीक्षण, यानी चीज़ों को ढूंढना है, असमान चीज़ें ढूंढनी है, असमान। और असमान दरअसल में बच्चों होती नहीं है। इसमें दरअसल में अगर मैं इसकी शुद्ध हिंदी लिखूं, अन्य तीन से भिन्न, अन्य तीन से भिन्न। जब भी ऐसे बोलता है और विकल्प में ऐसे ही लिखता है, अन्य तीन से विषम संख्या बताओ, इसका मतलब है तीन एक जैसी होनी चाहिए। जो तीन बच रही हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हो, तीन एक जैसी होनी चाहिए, उनमें कुछ समानता ढूंढे करो। जो तीन एक जैसी नहीं है उससे जो अलग होगी, जो उन तीनों से अलग आ रही होगी, उसको आपको उत्तर बताना है। अलग वाला आपका आंसर होगा। बच्चा कई बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं भाई ये स्क्वायर है और बाकी में गोली मारो और आपका उत्तर। इस तरीके से हम लगा देते हैं कई बार उत्तर। अगर मैं बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि भाई ऐसा कहाँ हम लोग करते हैं, तो जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ 25 और बच्चों एक दे रखा है 80, एक दे रखा है बच्चों 75 और एक बच्चों उसने दे दिया आपको मान के चलिएगा लीजिए 84। अब आपसे पूछा, इसमें क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बच्चे इसको गलत करके आएंगे। मैं कह रहा हूं आप में से 90% इसका उत्तर गलत देंगे, अब भी इतना भी करने के बाद, इतना बताने के बाद भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तर अभी भी इतना सुनने के बाद भी उत्तर 25 लगाएंगे, ठीक है। पर अब तो आप पकड़ रहे हो बात को, क्योंकि मैं यही आपके सामने प्रूव कर रहा हूं, जो बच्चे यहां 25 उत्तर देंगे वो एकदम गलत करके आएंगे, ठीक है। वो क्या उनका लॉजिक होता है कि भाई 25, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं कि भाई 25 वर्ग है, 25 स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों नहीं वाला जवाब नहीं चाहिए उसको, उसको जवाब ये चाहिए कि तीन में ये समानता है, इस एक में नहीं है, इसलिए आपका उत्तर वही हो जाता है। बात समझ में आई? तीन में ये समानता है, तो तीन में आपको समानता ढूंढनी है, तीन में समानता, बल्कि अलग नहीं ढूंढना, तीन समान है एक असमान है। तो तीन समान ये क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि इनमें पांच से भाग जाता है, सब में पांच से भाग जाता है, इसमें पांच से ये संख्या कटती नहीं है, इसलिए आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो बच्चे आप, तो मैं आपको सामने सामने करवा रहा था, इसलिए आपने ज्यादातर ने उत्तर 84 दिया, लेकिन बहुत बच्चे इसमें 25 लगा के आएंगे, ठीक है। आपके लॉजिक और भी हो सकते हैं बच्चों, वो भी कुछ भी हो सकते हैं, पर मैंने सम विषम सबका ध्यान रख के ये ऑप्शन बनाया था, ठीक है। तो क्लियर है, मैं यही कहना चाह रहा हूं इस बात के माध्यम से कि आपको तीन एक जैसे ढूंढने हैं, और जो उस नियम का पालन नहीं करेगा वो आपका उत्तर होगा। बात समझ में आई? अब ऐसे सवालों में उत्तर आपको 25 नहीं देना है, तो अब आप बहुत ही अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाओगे। क्लासिफिकेशन मतलब आपको वर्गीकरण करना है, अर्थात एकदम अलग, वर्गीकरण मतलब भाग बांटने, तीन एक जैसे, एक अलग, ठीक है, वही आपके उत्तर होंगे। ये बहुत काम की बात मैंने बताई है इस चैप्टर के शुरुआत में ही, और बच्चों अब आप ऐसी गलती नहीं करोगे भविष्य में, ऐसी मुझे उम्मीद है और ऐसी कामना है आपसे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं टाइप हुए लेके आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ उनको करवा दूँ पहले, फिर बच्चों इसमें बहुत सारी टाइप होती हैं, चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। देखिए बच्चों, एक तो टाइप इस टाइप की होते हैं कि जो आपके
मतलब वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स जैसे जैसे मैं आपसे बोलने लगूं घंटा, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड, और बच्चा एक दे दिया मैंने समय, इन सब में अलग बताओ। तो यह है वर्ड वाली वर्ड वाला क्लासिफिकेशन। तो अब कोई भी बच्चा कह देगा कि इसका उत्तर क्या होगा, समय होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों समय की यूनिट हैं, ये यूनिट नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सिर्फ इसमें ही नहीं आ जाएगा, बहुत सारी जगह भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ईट ईट, सीमेंट, कुछ भी बच्चों कह सकता है वो, ईट सीमेंट, सरिया सरिया, और बच्चा फिर दे दिया मकान। तो आपको क्या लगना, ये भी इसी कैटेगरी का आएगा, क्योंकि ये सब मकान को बनाने के हिस्से हैं और मकान अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाली कैटेगरी बहुत आती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, कि ये सब तीनों इसके हिस्से और ये अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस कैटेगरी के और भी लिखूं आपके सामने, जैसे मान के चलिए ये इस कैटेगरी के ही हैं, कि मान लीजिए यूएसए एक कंट्री दे दिया आपको, एक दे दिया मान लीजिए भारत, एक दे दिया आपको, एक दे दिया आपको दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और एक बच्चा दे दिया, एक कैटेगरी आपको दे दी कैसी, देश। तो बच्चा कौन सा लगाओगे, सीधी सी बात। तो ये वही रिलेशन है सब में, एक जैसी बात है तीनों ही, तीनों ही बिल्कुल एक जैसी बात है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? तो ये वाला क्लासिफिकेशन बहुत आता है एग्जाम्स में, ठीक है, और बहुत आसान भी है। मैं कहूँगा सबसे आसान क्लासिफिकेशन यही होता है, पर इसमें भी बच्चे गलत होते हैं। भाई ये भी तो समय ही है, भाई ये भी तो समय ही है, तो ये भी समय है, तो इनमें क्या लगा दें हम? अरे भाई बहुत ही आसान चीज़ है, इनमें भी अगर कन्फ्यूज़ हो गए तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो एक तो इस तरह की मैं कहूँ कि भाई ये वर्ड्स क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे वर्ड्स और भी आएंगे। एक बच्चा इस तरह से होता है कि दो चीज़ ऐसे लिख दी, खेल खेल मैदान में, इस टाइप से लिख देता है, ठीक है, और मूवी सिनेमा, इस टाइप से निकलवाएगा आपसे मूवी सिनेमा, तो इस तरीके से दे देता है बच्चों कुछ भी, ठीक है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मतलब ऐसे ही, मैं आपको एक बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे कराऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से अलग बताओ, तो इनका आपसी रिलेशन भी आपका होगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें दे देगा। मैं अभी सारे ऑप्शन नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं आपको बस जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, क्वेश्चंस तो बहुत करवाऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब बच्चों एक होता है लेटर्स, लेटर्स क्लासिफिकेशन, जैसे उसने बोल दिया एम एन ओ, बच्चा अगला दे दिया पी क्यू आर, एक बच्चा उसने दे दिया ए बी सी, और एक बच्चा उसने दे दिया एल एम के, तो बच्चा ये दे दिया उसने। तो अब आप साफ साफ कह दोगे कि भैया ये उत्तर है, क्योंकि ये तीनों लगातार, तीनों लगातार, और बच्चा के एल एम भी लगातार, वैसे तो लगातार ये भी हैं, बस के उधर लिख गया, इसमें तीनों क्रम में थे, इसमें तीनों क्रम में नहीं है, ठीक है, इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं वोविल पे भी तो हो सकता था, तो यहाँ देखिए वोविल भी दो में आ रहा है, दो में नहीं आ रहा है, तो इसलिए वोविल पे भी ये बात खत्म हो जाती है, ठीक है। वोविल पे भी होंगे क्वेश्चंस, सब चीज़ें करेंगे बच्चों, मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे बच्चों, ये सब क्लासिफिकेशन का हिस्सा है। एक और क्वेश्चंस बच्चों होते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि नंबर्स क्लासिफिकेशन, जो मैंने 25 वाला कराया था, ठीक है। तो ये सारे तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ सकता हूँ अपनी पीडीएफ की तरफ, जो मैं वर्ड्स एनालॉजी, वर्ड्स क्लासिफिकेशन के लिए लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए, ताकि आप लिखने में कम से कम टाइम वेस्ट हो, पर लिखने में ना फायदा रहता है एक बच्चों, क्या फ़ायदा रहता है कि आप साथ के साथ दिमाग लगा लेते हो और ज़्यादातर उत्तर सही कर पाते हो। जैसे मैंने कल वाला चैप्टर कराया था, वो भी कराऊँगा, दोनों तरीके से कराऊँगा इसमें बच्चों, ठीक है। चलो ये वाला, तो बच्चों पहला ही क्वेश्चन है, अब उम्मीद करूंगा ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी अभी मैंने टाइप बताई है कई सारी, जो अभी देश वाली टाइप बताई, समय वाली टाइप बताई, वो सब इसी की है। कैलेंडर वर्ष तारीख महीना, तो बच्चों देखो ये बहुत ज़्यादा आती है टाइप, ये कलर चेंज करते हैं, कैलेंडर
ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्यों है भाई? ये कैलेंडर के पार्ट हैं और कैलेंडर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। आगे बच्चों दिखाऊं कि माता, मित्र, बहन, पिताजी, तो ये क्या है भाई? बहुत अच्छी चीज है ये तो। माता, मित्र, बहन, पिताजी कैसे अलग कर सकते हो और किसको अलग कर सकते हो इसमें? बच्चा इसमें किसको अलग कर सकते हो जल्दी से बता दो, बहुत तेजी से आपके आंसर हैं और सभी का उत्तर बी आ रहा है। बी से अलग किसी का हो तो बताओ। तो मित्र बी, मित्र बी, मित्र बी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप एनालिसिस कर रहे हो इन सवालों को कि तीन में क्या समानता है, इनमें इन तीनों में क्या समानता है, क्योंकि ये एक ही फैमिली के हिस्से हैं। ये बाहर का भी हो सकता है, ठीक है, बाहर का ही होता है मित्र, ठीक है, नहीं तो अंदर वालों से तो रिलेशन हम बोलते हैं। चलिए अगला सवाल, तलवार, कटार, राइफल, चाकू। भाई क्या सवाल आया है, तलवार, कटार, राइफल, चाकू, ये पूछा हुआ सवाल है बच्चों। ये बहुत अच्छा सवाल है, दिल्ली पुलिस ने ही इसको पूछा है सिपाही के एग्जाम में। तो अब बताओ, तलवार, कटार, राइफल, चाकू, तो बच्चा कोई भी कह देगा कि यार इसका तो राइफल होना चाहिए, राइफल होना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्यों होना चाहिए? बाकी सब तो काटने पीटने वाली चीज है, एक बार में उड़ाने वाली चीज नहीं है, ठीक है, ये सीधा उड़ाता है। तो इस तरीके से बाकी तो दर्द करेंगे, दर्द तो खैर वो भी करेगा, मतलब इस टाइप से ही है ये कि ये बुलेट चीज है, ये क्या है, साथ लगा के चलेंगी, मतलब आपको टच करना पड़ेगा सामने वाले को, ये क्या दूर से चलाई जा सकती है, ये इसका लॉजिक है, ठीक है, बेहतरीन, दूर से ही मार दोगे इसमें, चलो इसमें टच करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आगे बोलूं, पौधा, जड़, तना, पत्ती, पौधा, जड़, तना, पत्ती, ये बिल्कुल वही आ गया फिर से क्लासिफिकेशन जो कैलेंडर वाला था ऊपर, तो आप समझ गए सब पौधे के हिस्से हैं, तो भाई ये तो पौधा ही आएगा। अब ऐसे सवालों में तो गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत आते हैं ये इस टाइप के, ठीक है, अब आपको ये तो परेशान नहीं करेंगे कम से कम। चलिए आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, नीचे वाला झांक रहा है इसे बंद करें। कैद, न्यायालय, हथकड़ी है बच्चों, ये हथकड़ा नहीं है, हथकड़ी है, ई की मात्रा मिट गई है, हथकड़ी, हथकड़ी, और आगे है वर्दी, वर्दी। अब मैं देखता हूं कितने लोग इसको सही करेंगे, कितने लोग इसको सही करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे इस सवाल को। कैद, न्यायालय, हथकड़ी और वर्दी, बी डी बी डी बी डी बी डी, बीड़ी पिवाओगे तुम और कुछ भी करवाओगे, बी और डी चल रहे बराबर टक्कर पे हैं दोनों ही ऑप्शन, बी भी उतना ही और डी भी उतना ही। भाई क्या तेजी है आपके ऑप्शन में, कमाल कर दिया यार, न्यायालय और वर्दी, अच्छा आप उस हिसाब से ले रहे हो न्यायालय को और वर्दी को। दरअसल में जो किताब ने दिया था मैं उस पे जाऊंगा, नहीं तो बहुत सारा डिस्प्यूट तो इसमें बन सकता है सवाल में। जो बुक ने आंसर दिया और जो एग्जाम में सही किया गया इसमें, वो कौन सा? ये तीनों एक ही कैटेगरी इसलिए मानी गई क्योंकि ये अपराधी से संबंधित कैटेगरी हैं, अपराधी से संबंधित, कैद भी उसी की होगी, न्यायालय में भी उसी को पेश किया जाएगा, हथकड़ी भी उसी को लगेगी, वर्दी अपराधी की कैटेगरी नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर ये दिया गया, डी। समझ गए अब तो? चलो बहुत बढ़िया, चलो चलो आगे। प्याज, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, टमाटर, आलू, गाजर, चलो बच्चों, प्याज, टमाटर, आलू, गाजर, क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए जरा, जल्दी से बताइए बच्चों। प्याज, टमाटर, आलू, गाजर, किसान के बच्चे हो ये तो जरूर बता देना चाहिए आपको। सीधी सी बात है, एक ही होना चाहिए, टमाटर, क्योंकि ये जमीन के ऊपर लगता है बच्चों, ठीक है, बाकी सब जमीन में धसी रहती है, सब्जी तो सारी है, आप क्या हो, ये सलाद है, सलाद तो भैया टमाटर भी है, ठीक है, टमाटर भी है, गाजर को भी सलाद में यूज किया जाता है, आपको फिर आलू कर दो, तीनों सलाद हो गई। भाई ऐसा नहीं है, कुछ लॉजिक बेहतरीन होना चाहिए आपका, सलाद पे ही घूमते रहोगे क्या पूरा? चलो आगे बढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, तो महीनों का तो आपको पता ही है किस लिए आता होगा ये, तो बच्चों 30-31 पर, यहाँ तो 30-31 भी छोड़ो, यहाँ तो फरवरी दिख गई, तो ये वैसे ही अलग होगी। तीनों में समानता क्या है कि तीनों 31 के हैं, कोई सा 30 का होता ना तब फंस जाते हम,
तीनों 31 के हैं, तब फंस जाते, तब हमें कुछ और सोचना पड़ता। बच्चों अगर यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं आपसे बोल ही देता हूँ कि इस टाइप से आ जाता, कोई 30 का आ जाता, फिर हम ये देखते कौन सा महीना कोई 2 पे पढ़ रहा है, कोई 6 पे पढ़ रहा है, कोई 8वां पढ़ रहा है, और एक बच्चा एक महीना पढ़ रहा है मान लीजिए 7 पर, तो फिर हम 7 वाला उत्तर लगाते हैं। इन महीनों में दो ही तरीके होते हैं, या तो 31 पाएंगे या सम विषम पे आएंगे। अगर सम महीना, दूसरा महीना, छठा महीना, आठवां महीना, कोई सा आ जाए 7वां महीना, तो आप फिर 7वें पे लगाओगे। बात समझ में आई? चलिए मान लो फरवरी हो, जून हो, और बच्चा अगस्त हो, और साथ में जुलाई हो, तो आपको जुलाई उत्तर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वो 7वां महीना विषम संख्या वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ऐसा ले जाते हैं जहां 30, 31 और 28, 29 के सबके ही महीने हो, तो वहां पर हमें सम विषम पे चला जाना चाहिए। टोली, समूह, भीड़, वर्ग। भाई बहुत तगड़ा सवाल है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या आपको नजर आ रहा है? टोली, समूह, भीड़, वर्ग। बच्चों क्या होना चाहिए? टोली, समूह, भीड़, वर्ग, क्या होना चाहिए बताइएगा जरा। तो टोली, समूह, भीड़, वर्ग क्या होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो टोली भी बच्चों एक समूह ही है, समूह भी एक समूह ही होता है, भीड़ भी एक समूह होती है, वर्ग, क्या वर्ग एक समूह होता है? उस हिसाब से तो हमें डी लगा देना चाहिए। वर्ग और क्या? अच्छा बच्चों, जैसे वर्ग है, वर्ग क्या होता है कि जैसे एक कम्युनिटी के लोगों को हम वर्ग कह सकते हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी के, एक निश्चित कम्युनिटी के लोगों को। बाकी ये सब चीजें ना, ये कोई निश्चित कम्युनिटी नहीं होती, या आप कहिए कि इसमें लोग इकट्ठा हो जाएं तो एक कह ली जाती है। लेकिन अब जो किताब ने दिया है उसने ये भी नहीं दिया, मैं कह सकता हूँ इनमें बहुत सारे आपको कंफ्यूज कर सकता है। किताब ने ये नहीं दिया, किताब ने क्या दिया उत्तर? ये दिया है। बुक ने ये उत्तर दिया है, मान के चलो, ठीक है। अगर ये उत्तर दिया है, भीड़ उत्तर दिया है, तो क्यों दिया है? इसका लॉजिक बता रहा हूँ। भीड़ क्यों दिया है? उसने बताया है कि टोली जो बनाएंगे अपने जान पहचान के, अपने निश्चित संख्या करके बनाएंगे, भाई ये टोली है, हमारी है, सब हमारे बंदे होंगे। समूह, समूह भी सेलेक्ट किया जाएगा, भाई इस तरह का समूह है, इसमें सब कुछ पता रहेगा। वर्ग भी पता रहेगा कि भाई इस जाति के लोग हैं। लेकिन भीड़, भीड़ में कोई लड़का है, लड़की है, बच्चा है, सब कुछ होता है, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं, कोई निश्चित लोग नहीं, तो इसलिए बच्चों भीड़ दिया, और भीड़ ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट भीड़ ही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ सकते। ये वर्ग मैथमेटिकल वाला वर्ग नहीं है बच्चों, ये कम्युनिटी वाला वर्ग है। अंग्रेजी में देखोगे तो कम्युनिटी लिखा होगा इसको, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ सकता हूँ, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में भी हम फंस जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो अभी कराया था कि भीड़ वाला। वायलिन, तानपुरा, वीणा और सितार, बताओ बच्चों वीणा और सितार कौन सा उत्तर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? वायलिन, तानपुरा, वीणा, सितार, सबको देखना बच्चों नेट पे, सबको देखना, सब में तार होता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि आती है, तार होता है सब में, इसमें तार नहीं होता, वायलिन, इस तरीके से इसको कह सकते हो, या कहो ये सब हाथों से बजाए जाते हैं, वायलिन शायद मुंह से बजाई जाती है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखो, ये बता सकते हो क्या आप? लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान क्या हो सकता है? लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान। चलो बच्चा ये सब ना, मतलब क्या कह सकते हैं इसमें, क्या कह सकते हैं? डी तूफान, सी भी आ रहा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा भी बच्चों यही होता है, एक नियमित चीज, लहर, प्रवाह सब पानी की चीजें, ज्वार भाटा भी पानी, तूफान तो जमीन पे भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से तूफान लगाओ, ठीक है, और ये नियमित चीजें हैं, लहर भी, प्रवाह भी, तूफान अचानक से आता है,
चलो बहुत सही ठीक। आगे अगर बोले शेर गाय चीता तेंदुआ, शेर गाय चीता तेंदुआ, शेर गाय चीता तेंदुआ, बताओ बच्चों बहुत ही आसान है यार ये तो, सब शेर के ही रूप हैं, सब मांसाहारी हैं, गाय शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी है, चलो पालतू भी है ऐसे भी कह सकते हो, वो बाकी सब जंगली हैं। बहुतायात, बहुतायात प्रचुर, बहुत अधिक और विस्तृत, भाई ये तो साफ दिख रहा है, बहुतायात भी ये होता है, बहुत है मेरे पास बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत है, प्रचुर मात्रा में तो भी बहुत है भाई, बहुत अधिक मात्रा में तो भी बहुत है, और बच्चा विस्तृत, विस्तृत इस चीज़ में नहीं कह सकते, विस्तृत नहीं कह सकते, विस्तृत तो किसी के क्षेत्र वगैरह के लिए कहेंगे, ये किसी चीज़ के लिए कहेंगे, ठीक है बात समझ में आ रही है। चलो आगे आगे सवाल, अपराध आरोप नाटा लंबा, गरीब अमीर हल्का भारी, बताइए क्या हो सकता है, ये तो घना आसान है। तो बच्चा ये दो दो का है, ये दो दो का है, अपराध आरोप नाटा लंबा, गरीब अमीर, यानी जब दो दो चीजें एक साथ आ जाएं, अपराध आरोप नाटा लंबा, गरीब अमीर हल्का भारी, बहुत शानदार। तो मैं देखूं तो बच्चा क्या हो सकता है, दूसरी टाइप शुरू हो गई है, ये मान लो अब तक पहली टाइप चल रही थी कि जहां एक एक करके अलग अलग देखना होता है वर्ड्स में, जहां वर्ड्स दो दो एक साथ आ जाएं, तो कोई भी बच्चा इसको कह देगा एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के उल्टे, और ये उल्टे नहीं हैं, इसलिए ये एक ही पर्यायवाची हैं, अपराध आरोप, ए ऑप्शन सब लोग लगा रहे होंगे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखना होता है सबका आपसी संबंध क्या है, और इसका वो आपसी संबंध नहीं है, इसलिए हम ए पर चले जाएंगे। तो जब भी दो दो आएंगे तो आपसी संबंध देखकर हमें हल करने होंगे। चलिए मैं देखता हूं कितना सीखे हो आप, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चाय कप में दी जाती है, चलो ठीक है, शराब बोतल में होती है, चलो ठीक है, तस्तरी पानी में होती है, पानी में तस्तरी, चलो, पर बैट बॉल तो बच्चा बिल्कुल अलग है, बैट बॉल बिल्कुल अलग होगा, बैट बॉल बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। चाय के साथ वैसे तस्तरी पानी भी इसमें हो सकता है बच्चों, क्योंकि अगर हम ऐसे लगाएं, चाय के साथ कप होता है, चाय कप दोनों एक साथ बोली जाती है, शराब बोतल के साथ शराब होगी, ठीक है, बैट के साथ बॉल होती है, उस हिसाब से तो तस्तरी पानी का बहुत अच्छा तो संबंध नहीं बनता, पर बच्चों अगर जाएं बुक के हिसाब से तो बैट बॉल ही दे रखा है, ठीक है, तो आप बैट बॉल पर ही जाओगे, ठीक है, बुक के हिसाब से। चलिए बाकी तस्तरी पानी भी इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि ये उल्टी चीज़ दे रखी है लगभग, और ये बच्चों इनमें तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा ना उस हिसाब से वो उसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे अगला एक सवाल, कोई कोई सवाल ऐसा इनमें कन्फ्यूजिंग अक्सर होता है बच्चों, ठीक है, कोई कोई होता ही है जिसमें दो ऑप्शन बन ही रहे होंगे और फिर राम नाम पे उत्तर लगा के आते हैं हम उसका, कि भाई भाई कुछ भी हो सकता है, फिर तो इसका मतलब कुछ गलतियां, मतलब पेपर में भी एग्जामिनर के टाइम सोच में आई नहीं थी उनमें कि दो लॉजिक लग सकते हैं, अगर उसको समझ आ जाता तो एक को हटा देता, पर फिर राम नाम पे लगा के आओ जहां दो लॉजिक इक्वली काम कर रहे हों। चलो वेद मंत्र, ये बिल्कुल आसान है, एकदम से आप बता पाओगे, लेकिन बच्चों देखो तो सही, वेदों में मंत्र होते हैं, कुरान में आयतें होती हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बातों को, जैसे हमारे मंत्र है ना, इनकी वाणी बोली जाती है वही चीज़, जैसे हमारे मंत्र होते हैं कुरान में वही चीज़ आयात बोली जाती है, इनके मंत्र वही चीज़ हैं। बाइबल में कविता नहीं बच्चों, बाइबल में कविता तो नहीं होती, ठीक है, तो ये आप इसको लगा दोगे। चलिए बगीचा फूल स्टेडियम हॉकी कॉलेज विद्यार्थी तालाब में पानी, बहुत बढ़िया, तालाब में पानी होगा तभी उसको तालाब बोलेंगे, बगीचे में फूल होते ही होते हैं, कॉलेज में विद्यार्थी होंगे ही होंगे, और स्टेडियम में हॉकी नहीं, स्टेडियम में कुछ और भी चीज़ हो सकती है बच्चों, यही आपका उत्तर है, स्टेडियम में सिर्फ हॉकी ही नहीं होगी लेकिन कॉलेज में विद्यार्थी जरूर होंगे, स्टेडियम में हॉकी हो जरूरी नहीं है, ठीक है,
बगीचे में फूल होंगे ही, ठीक है, क्योंकि पेड़ होंगे तो फूल होंगे ही, बगीचा तभी है, नहीं तो खेत बोलते उसको। अब पेड़ है तो फूल तो आएगा। चलो तालाब में पानी होगा, नहीं तो बच्चों उसको फिर गड्ढा ही बोलेंगे अगर तालाब में पानी नहीं है तो। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ सकते हैं। ये पांच विकल्प आ गए हैं, पांच वाला भी कर लोगे क्या? कर लोगे भाई, देखते हैं कितने लोग आपसी संबंधों को सही कर पाते हैं। अगला सवाल आ गया, साइकिल का स्कूटर है, बंदूक का तलवार है, देखिए क्या हो सकता है, पेंसिल पेन, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं यार, दोनों लिखने वाली चीज, दोनों सवारी वाली चीज, बंदूक तलवार दोनों जान लेने वाली चीज, चाय कॉफी, दोनों चाय कॉफी भी एक जैसी चीज, कमीज दर्जी, अरे नहीं भाई, कमीज के साथ पेंट होता तो एक जैसा ही होता, पर ये तो कमीज को सिलने वाला आ गया बच्चों, कमीज को सिलने वाला, पेंसिल विद्यार्थी होता तो भी ये फिर जो होता उसके जैसा, लेकिन बच्चों ये तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, जवाब आपका बढ़िया है, मेरी भी सुन ले करो, जो ई नहीं दे रहे हैं कुछ और दे रहे हैं तो अपनी चलाए जाओ, मेरी सुन लोगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएंगे, नहीं ऐसे तो अपनी चलाते हुए अब तक आए ही हो आप, चलो तभी तो गलत होते हैं एग्जाम में। दूध सफेद, रक्त लाल, बाल काला और पत्ता हरा, वाह क्या बात है, इसको तो सभी सही कर देने चाहिए, इसका रिजल्ट 100% चाहिए, एक भी बच्चे का अगर ऑप्शन में गलत हुआ, एक का भी, तो मैं मानूंगा आपने कुछ नहीं सीखा। जल्दी से बताओ बच्चों, इसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अब पुराने का छोड़ दो, इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए, अभी बच्चे पुराने पे ही पढ़े कुछ, तो देखो जल्दी, सबका 100 में से 100 बच्चों का यही आना चाहिए, एक का भी गलत आया मैं समझ पाऊंगा कि आप सही नहीं सीख रहे हैं अभी। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताओ, सी और डी, यार डी भी खूब आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, डी सी बहुत ज्यादा आ रहा है पर डी क्यों आ रहा है। अच्छा यार, दूध का जो नेचुरल कलर है ना वो सफेद होता है, रक्त का जो नेचुरल कलर है ना वो लाल होता है, पत्ते का जो नेचुरल कलर है ना वो हरा होता है, बाल का जरूरी नहीं नेचुरल कलर काला ही हो, भाई अंग्रेजों के तो सुनहरे होते हैं, ठीक है सफेद भी होते हैं, ठीक है हमारे यहाँ का इंडिया का जरूर कह सकते हो नेचुरल काला होता है, बुढ़े लोगों का ऐसे तो जी पत्ता भी पीला हो जाता है, भाई मैं वो इसलिए जवाब दे रहा हूँ, नेचुरल कलर क्या है, बालों का नेचुरल कलर काला नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही काला है, बाकी कहीं के लाल भी होते हैं, सुनहरे होते हैं, बहुत सारे कलर हो सकते हैं बालों के, ठीक है इसलिए बच्चा सी बोलेंगे। ठीक है, मैं उस सफेदी पे भी नहीं जा रहा बुढ़े लोगों की पे, नहीं तुम पत्ते का पीला भी बताओगे फिर, इसलिए मैंने वो बात ही खत्म कर दी। आगे, सितार गिटार, वायलिन वीणा, ध्वनि संगीत, नृत्य गाना, क्या होना चाहिए? एक ही चीज के पर्यायवाची लग रहे हैं सब कुछ, लेकिन नृत्य और गाना, नृत्य गाना बिल्कुल यही कहेंगे, यही कहेंगे ना, नृत्य और गाना, गाना और डांस ये दो अलग अलग चीजें हैं, बाकी सब तो बच्चों सब कुछ सब में होता है, एक जैसे वाद्य यंत्र हैं, सब वाद्य यंत्रों की बात है, लेकिन ये नहीं है, ध्वनि संगीत सब वाद्य यंत्रों से बजाए जाएंगे, नृत्य और गाना, चलो यही बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। शेर गुफा में रहता है, मनुष्य घर में रहता है, गाय खेत में रहती है, चूहा पिंजरा में रहता है, कौन सा होगा बताओ? गाय खेत में तो नहीं रहती भाई, ठीक है गाय खेत में तो नहीं रहती, बाकी सब तो सही है, चूहा पिंजरे में, शेर गुफा में, मनुष्य घर में, चलो ठीक है। तो और अगर मैं बोलूं बुक में क्या दिया है, ये दिया है, देखो ये सब अपनी मर्जी से रह रहे हैं, ये भी अपनी मर्जी से रह रहा है, अपना घर है उसका, गाय का भी खेत ही घर है, ये मान लो गाय को खुला छोड़ दिया तो वो खेत में ही जाएगी, तो बच्चा ये गलत है, चूहा पिंजरे में जाएगा नहीं, वो बेचारा मर्जी के खिलाफ जा रहा है, बाकी सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है चलिए बहुत सही है, सी ऑप्शन ही बेस्ट है, डी नहीं है, गलती से हम डी भी करके आ सकते हैं, सी बेस्ट है बच्चों, बता दिया कारण मैंने आपको।
आगे आ जाओ, ये ज्यादा अच्छे होते हैं बच्चों सवाल, और खूब आते हैं एग्जाम में, आपको पता भी है, ठीक है। तो अब अगले पे आ जाओ, लड़का भाई अपने देखना कितने गलत निकल रहे हैं आपके। लड़का भाई, पुत्र पिता, लड़की बहन, माता पिता, ठीक है। बाकी सब में सेम लिंग है, लड़की बहन है, लड़का भाई होगा किसी का, पुत्र पिता भी बन सकता है, माता पिता ये तो नहीं है बच्चों, ये तो नहीं है, ये दोनों अपोजिट लिंग है ये भी कह सकते हो, बाकी सब सेम लिंग ही है, पुल्लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। ये लड़की किसी की बहन लग सकती है, लड़का किसी का भाई, पुत्र किसी का पिता भी लग सकता है, लेकिन माता पिता सब एक ही के होंगे ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ सकते हैं। डीपी कांस्टेबल बहुत पुराना एग्जाम हो गया, डीपी कांस्टेबल 2008, पर बच्चों रीजनिंग तब भी दमदार आती थी डीपी कांस्टेबल की। तो अब हम आ गए हैं तीसरी टाइप पर, ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा ना बच्चों, थर्ड टाइप पर आ गया हूँ। थर्ड टाइप इसमें कैसे करते हैं भाई, दो टाइप हमने देखी, वर्ड्स की देखी पूरी, थर्ड टाइप पे देखते हैं। इनमें आपस में बच्चों इनका आपसी रिलेशन देखना पड़ेगा। तेज नहीं चल रहा, बढ़िया, थैंक यू। बस करो, कोई कह रहा बस करो, बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए क्या क्वेश्चन अभी पढ़ाया है। मैं आपको बताऊँ, पता है कितनी देर पढ़ाया है मैंने, 30 मिनट, 30 भी पूरे पढ़ाया नहीं, और झिक गया आप, यहाँ तक भर गया आपका 30 मिनट में, 10 मिनट और पढ़ लो यार। चलो अब देखते हैं, मैं सोच रहा हूं क्लासिफिकेशन खत्म ही हो जाए, क्यों फिर इसमें आ गए, आगे रीजनिंग देखेंगे, फिर चित्रों वाली भी पढ़ी है अभी तो सारी, अभी और भी पढ़ी है, डिसीजन मेकिंग भी करवाएंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि जेल वार्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ये देखना जरा, ये देखो क्या लॉजिक लगा सकते हो। मैं ना ऐसे नंबर डाल लेता हूँ जब मुझे ज़्यादा दूर के लगते हैं ना, तो यहाँ पे डाल लेता हूँ C24, चलो मैं यहाँ भी डाल लेता हूँ 9, 13, 20, 4, अच्छा ठीक है, 4, 7 और 10, बहुत बढ़िया। यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 7 का, यहाँ 10 का, 3-3 बढ़ रहा है अंतर, 9 और 4 का अंतर, 7 का अंतर। बच्चा ये ना 26 से आगे ये 30 भी कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि नहीं भाई, 26 पे जेड, फिर ए पे 27, बी पे 28, सी पे 29 और डी पे 30, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो बच्चा 4, 7, 10, पहला ही सवाल जोरदार आ गया है, तो 4, 7, 10, ये भी 4 का अंतर, यहाँ 7 का, फिर 10 का, ठीक है। अगर मैं इनका नंबर लिखूं, जे 10 पर, ये 14 पर, ये 21 पर, ये बच्चा 26 से आगे करना, 26 और 5, 31, 4 का अंतर, 7 का अंतर, 10 का अंतर, भाई ये तो बहुत बढ़िया चल रहा अब तक। आगे देखूं, ओ 15, 18, बस बात बन गई, अब बन जाएगी 25, अभी नहीं बनी, अब बनेगी। और बच्चा ये जो ना 26 और 10 लो इसे, 26 और 10 होते हैं 36, इसे 36 लो, क्योंकि हमें 26 से आगे का चाहिए। 15 और 3, यहाँ 3 का अंतर, अरे हमें तो 4 का चाहिए था शुरू में ही, यही गलत है, आगे देखो ही मत, 7 का और आगे 11 का, पूरा ही गलत कर दिया, सब में 4, 7, 10 था, 4, 7, 10 था, उसमें 3, 7, 11 है, इसलिए डी ऑप्शन अलग है, ऐसे देखा जाता है बच्चों इनको, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से देखा जाता है। ये नंबर कहाँ से लिखे हैं मैंने इनके, भाई सबको पता है, एक बार यूट्यूब पर लगा दे, सबको पता है, सबको क्या, तो भाई ये ABCD में इनके नंबर होते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ YouTube वाले ढूंढ रहे होंगे, सर पुरानी वीडियो कहाँ है, तो भाई वो ऐप पर हैं, YouTube पे दी नहीं है, बताओ क्या करोगे अब, क्या यार यही है, देख लो कि रीजनिंग की क्लासेस आपको मिल रही हैं पवन सर की, उधर पवन मॉडल सर की, जब तक वो फ्री नहीं हुई थी तब तक मैंने आपको अपनी वीडियो दी थी ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब देखो ये सवाल, 1, 16, 81, 243, इसका क्या उत्तर होगा, 1, 16, 81, 243 क्या उत्तर हो सकता है, तो इसका मतलब YouTube पे भी हमें 600-700 बालक देख रहे हैं, तो 1 का वर्ग, 4 का वर्ग
और 243 बच्चों ये किसका वर्ग है और ये क्या है, तो आप खुद सोच के बताओ कि क्या हो सकता है। चलो भाई इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये 3 की 4 है, ये 3 की पावर है, ये भी 3 की 5 है, ठीक है। तो ये तो पावर बच्चों, ये 3 की पावर 5, 3 की 4, 1 की ये और 4 की वो, तो ये तो बच्चों क्या हो सकता है। अब आप बताओगे क्या लॉजिक इसका बन सकता है, क्यों। हाँ बहुत बढ़िया, लॉजिक समझ में आ गया आपको, मुझे भी आ गया, सही है बच्चों। देखिए बढ़िया लॉजिक था इस सवाल का, आसान नहीं था, सब लोग नहीं लगा पाएंगे। ये 3 की 4, ये 3 की 4 है कि नहीं है, ये क्या है 3 की 5 है, ये क्या है 2 की 4 है, 2 की 4 भी तो कह सको, और इसको 1 की 4 कह सकता हूं कि नहीं। ये सब पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, किसी ना किसी की ये भी पावर 4 है, लेकिन बच्चों ये किसी की भी पावर 4 नहीं है, तो 3 1 समान हो गए, तो आपका आंसर डी हो गया इस सवाल का, डी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। 243 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब में पावर 4 है, इसमें पावर 5 है, इसलिए। भाई सवाल तो तगड़ा था ये, चलो देखने में ही ऐसा ही लग रहा था। अब अगले सवाल को देखो बच्चों, चौथी टाइप भी कह सकते हो, नंबर्स भी हैं और इंग्लिश वाले वर्ड्स भी हैं। देखो तो सही, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, बस इतनी सी बात बता दो मुझे, समझ पा रहे हैं जी, खूब बढ़िया समझ पा रहे हैं, बस करवाए जाओ आप काम को। चलो तो बच्चों मैं तो ना इसमें क्या करूँगा, मैं देखते ही इसका उत्तर, मेरा मन कर रहा है यार, मेरा जी ललचा रहा कि मैं इसे लगा दूँ। क्यों ललचा रहा जी आपका जी, इसका कुछ कारण दे दो कि यार 3 ये डबल डबल जो अक्षर है इस पे मेरा दिमाग गया, मैंने देखा 3ों में वॉवेल आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो मेरा जी ललचा रहा है इसके लिए। पर बच्चों कुछ और भी हो सकता है, देखिए अब कुछ और भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि डी ही होगा, पर मैं अगर इनके आपसी रिलेशन देखूं तो वो बेस्ट होगा, वॉवेल पे बाद में आऊंगा। देखिए ये सवाल धोखा दे सकता है आपको, ठीक है, और मैं इसलिए आ रहा हूं इस पे। तो देखो ये 17 है, ये दोनों 15 है, ये 13 है, ये 23 है, ये 21 है दोनों, और ये 19 है बच्चों, दो दो कम हो रहे हैं, ये 10 है, ये 9 है, और बच्चा ये 6 है, और मैं इसको देखूं ये 22 है, ये 20 है, ये 18 है, तो आपको बताओ कौन सा लगाना चाहिए, वॉवेल वाला लगाना चाहिए या एक क्रम वाला लगाना चाहिए। वॉवेल वाला हो सकता है तुक्के से बन गया हो, लेकिन ये क्रम 100% उसने बनाया होगा तभी ये बन सकता है, तो इसका मतलब जो उसने बनाया है जानबूझकर वो पेपर में भी उसे ही सही करेगा, वो वॉवेल वाला तुक्के से बन गया। लेकिन बच्चों सही उत्तर इसका ये होगा, ये नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में सही वो होता है जो उसने जबरदस्ती बनाया हो, और ये तुक्के से बन गया था बीच वाला, क्योंकि आपने आपने इनका तो रिलेशन कुछ देखा ही नहीं, और जब चारों का नहीं देखा है आपस में रिलेशन, तो आप सही कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग, ये मैंने आपको गलत करके दिखा दिया है। क्यों, क्योंकि चारों का रिलेशन बनना आपस में जरूरी है, सबसे पहले उसी पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो दिखा दे कितने देख रहे हैं, युद्ध पता लग जा, अब बस खत्म होने वाला बच्चों आज का खेल, आज का शो समाप्त होने वाला। चलो सही है, सही है, PRTMOQGECTVX, फटाफट बता दो यार, आज अचानक से यूट्यूब पे दिए हमने वीडियो, ठीक है, इसलिए बच्चे कम आ पाए, पता ही नहीं लगी बच्चों को, अचानक से दे दी यार, धोखा कर रहे हो गुरुजी बालकों के साथ। हाँ भाई थोड़ा सा करना पड़ता, चलो आगे आ जाओ। ये देखो PQRST, क्यू छोड़ दिया, एस छोड़ दिया, MNOPQ, पी छोड़ दिया, दोनों में एक एक ही छोड़ा है, ओहो TUVWX, ऐसे को तो ओहो करके छोड़ दे करो कि इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा था, इसे बाद में देखेंगे, पहले इसके जैसे बना लें। तो बच्चा यही पता लग गया मुझे कि इसमें झोलमाल था, इसमें चेक ही क्यों करूं। चलो ठीक है, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आ जाओ, मैथमेटिकल के भी साथ साथ चल लें बच्चों।
मुझे पता है इनमें बहुत मजा आता है आपको करने में, ज्यादा मजा दूंगा नहीं, अगला चैप्टर शुरू होगा अगले वीडियो में, ठीक है। इस पर अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में बताइए एक एक बात, कहाँ आप गलती कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो बस प्रैक्टिस ही सही करवाएगी और कुछ नहीं करवाएगा इनमें आपको। यूट्यूब वाले तो लाइक भी नहीं करते अब हमें। चलो 17 का 289, 25 का 50, अरे भाई ये तो घना आसान है यार। पर बच्चा यार इसने एक झोलमाल यहाँ कर दिया है वैसे, पर बच्चा वर्ग ही आ रहा है, पर क्योंकि इसको यहाँ ये लिखना चाहिए था 11 का 121, ठीक है, तो बात सही थी। अब बच्चा मैं क्या करूँ यार, अब मैं क्या लगाऊँ इसमें, मैं फंस गया यार यहाँ, मैं इसको लगाऊँ या इसको लगाऊँ, ए को लगाऊँ या बी को लगाऊँ, फंसा दिया यार इसने, फंसा दिया इसने, जबरदस्ती फंसा दिया। क्यों, 15 का वर्ग पहले वाले का वर्ग दूसरा है, पहले वाले का वर्ग दूसरा है, दूसरे वाले का वर्ग पहला बना दिया। अगर ये 11 121 कहता तो मैं आंख मीच के तुरंत लगा देता इसको। अब मैं ऐसा भी तो जा सकता हूँ कि भाई 50 में 25 का भाग पूरा डिविजिबल है, 289 17 से डिविजिबल है, 225 15 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 11 121 से डिविजिबल है, नहीं, इसलिए हम 11 121 भी कर सकते हैं, 11 121 भी कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर दो ऑप्शन बन सकते हैं, 11 121 होता तो टेंशन नहीं थी, पर 121 11 लिखा, ये उसने झोलमाल कर दिया। तो इस हिसाब से बच्चों इसके उत्तर ए और बी, क्योंकि लॉजिक ये भी लग रहा है भाई दोनों एक दूसरे का वर्ग है, अगर मैं देखूं इस क्रम को ना देखूं, एक का वर्ग दूसरा है, एक का वर्ग दूसरा है, तो उस हिसाब से बच्चों ए हो जाता है, और बी किस हिसाब से होता है मैंने आपको बता दिया। तो लेकिन फिर भी अगर मैं बेस्ट करूंगा तो बेस्ट बच्चों ए ही लगाए गए, और बुक ने भी ए ही लगा रखा है। चलिए बात समझ में आई, पर फंसाने वाली बात है बच्चों ये अगर एग्जाम में आता है तो, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता उसका दिमाग किधर को सटक रहा है, चलो वो किस तरफ भी जा सकता है। चलो खत्म करने वाले हैं, जल्दी से बता दो, अब तीन तीन का लॉजिक है, फटाफट बता दो, फटाफट बताओ बच्चों क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ यार, कुछ लग रहा है क्या अंतर, पहले वाले से सारे ऑप्शन कट जाएंगे, ये कहां कटेगा, ये नहीं कटेगा 55 से। चलो और क्या है बच्चों, लॉजिक बताओ आपका क्या हो सकता है इसमें, तो बताओ क्या हो सकता है इसमें, तो फंस रहे हैं हम लोग भी इसमें, तो बच्चों फंस रहे हैं, क्या हो सकता है बच्चों के, तो आ रहे हैं उत्तर डी, स्क्वायर है, पहले में स्क्वायर है भाई, ऐसे नहीं लगता कि एक में स्क्वायर है बात खत्म करो, नहीं ऐसे नहीं होता, तो फिर क्या होता है, करो ना फिर क्या होता है, वही तो पूछ रहा हूं आपसे, क्या लॉजिक है, देखो बच्चों ऐसा है, इसने ऐसे दे दिया कैसे कि इसका HCF 9 है, इसका HCF 5 है, 5 है या 5 से बड़ा है, ये सब भी किसी ना किसी से कट जाएंगी, मतलब 4 से कट जाएंगी या 8 से कट जाएंगी, ठीक है 8 है, लेकिन ये तीनों किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, तीनों किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, अर्थात इसका HCF 1 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों किसी ना किसी संख्या से कट रही हैं, लेकिन ये किसी से भी नहीं कट रही है, इसलिए ये लॉजिक है, बड़ा घना तगड़ा लॉजिक है ये तो भाई, है ही, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लास्ट ले लें बच्चों, लास्ट है बस ये, लास्ट नीचे के नहीं दिखा रहे अब, चलो लास्ट खत्म करते हैं क्योंकि टाइम कम है, 1 2 3 4 और जो बच रहे हैं वो मैं उसमें डाल दूंगा वर्कशीट में, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लगातार हैं बच्चों, इसमें नहीं है, देखो ना गिनती चल रही है गिनती, इसमें है तो सही 3 4 5 6 पर क्रम उल्टा सीधा है, अगर ये होता ऐसे तो सही होता,
पर ये ऐसे नहीं है इसलिए अलग है। चलो घने आसान है। आगे बच्चों वर्कशीट के सवाल मिल जाएंगे और आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। आपको कैसी लगी क्लास, सही से समझ में आ गया होगा उम्मीद ये भी करूँगा। चलिए बच्चों आज की वीडियो यहीं दी एंड करते हैं, कल फिर एक नया चैप्टर नए चेहरे के साथ नई टी शर्ट के साथ मिलते हैं। चलो ओके बाय बाय।